एवरीवन, मैं सी ए सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हम लोग अक्षय के साथ हैं। आज का मेन डिस्कशन का पॉइंट ये है कि अक्षय ने अभी 2019 दिसंबर में एमसीए का एग्ज़ाम क्रैक किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा आज के डिस्कशन में कि अक्षय ने बिना कोचिंग के फर्स्ट टाइम में एमसीए का एग्ज़ाम पास किया है। तो हम लोग अच्छे से जानेंगे कि उन्होंने अपने ड्यूरिंग पूरे 6 साल के स्टडी करिकुलम में क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया आकर उन्होंने एमसीआई के लिए क्या किया, कोचिंग नहीं लगाया है। जो स्टूडेंट्स अभी जिनकी क्वेरीज रहती हैं कि किस तरह से हम पढ़ाई करें, वो हम अच्छे से जानेंगे। हेलो अक्षय, मैंने अपने MBBS रशिया से कंप्लीट की थी। Okay. और मैंने दिसंबर 2019 में FMG जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम कंडक्ट करता है, वो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर ली, लेकिन इसके पीछे मेरा एक खुद का एम था कि ये एग्जाम विदाउट कोचिंग क्लासेस क्लियर करने थी। Okay. मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे ही कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आता है, उनका सबसे बड़ा टेंशन रहता है, सबसे बड़ा डाउट रहता है कि ये जो MCA की एग्जाम है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, इसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इस पे मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा कि आपने इस एग्ज़ाम को किस तरीके से प्रिपेयर किया, और ड्यूरिंग आपका 6 साल का जो स्टडी है, क्या आपने वहाँ से पढ़ाई करते हुए MCA का स्टडीज़ किया, क्योंकि आपने यहाँ पर आके कोचिंग नहीं लगाई है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी, ये हमारे व्यूअर से आप शेयर करेंगे। सर, ये क्वेश्चन सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे जो अब्रॉड जाते हो, उनके उनके मन में आता ही है। क्योंकि जब हम अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हम जब अपने कंट्री में रिटर्न आते हैं, तो हमें एक क्वालिफिकेशन एग्जाम देनी पड़ती है। उस क्वालिफिकेशन एग्जाम के बारे में कुछ ट्रूथ है, कुछ र्यूमर्स है। इसमें एक चीज है कि आपको प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट करनी है। कोई कोचिंग क्लासेस वाला आपको फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, या कोई आपसे पढ़ाई करवा के नहीं देगा। मुझे बताइए, जब आप रशिया में पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या आपने MCA को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ईयर से पढ़ाई चालू कर दी थी MCA की, या फिर कैसी स्ट्रेटजी थी ड्यूरिंग स्टडीज इन रशिया? सर, मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपने दिमाग में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्जाम है, उसका टफनेस लेवल, ये सारा सोच के मैंने अपने फर्स्ट ईयर से ही एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रेज करते हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की, जैसे आप रशिया से पढ़कर आए हो, तो इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रशिया में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो पूरा इंग्लिश में पढ़ाती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हाफ इंग्लिश हाफ रशियन में पढ़ाती है। लेकिन सर, इसमें थोड़ा डीप जाके हम जब सोचेंगे, तो रशिया में जो पेशेंट्स है, उनकी लैंग्वेज वो रशियन ही होगी। क्योंकि हमें जरूरत थी, हमें इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा था, ये फैक्ट है सर। इसमें थोड़ा हमें डीपली सोचना पड़ेगा। वो कंट्री हमें एडमिशन ऑफर कर रही है, वो कंट्री हमें अच्छी डिग्री दे रही है, तो उस कंट्री में जाके हमें काम करना है। जो थर्ड ईयर के बाद जो क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, उसमें हिस्ट्री टेकिंग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसके बारे में पता करके आपको डायग्नोस करना होता है। इसमें सर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ हमें रशियन लैंग्वेज ही नहीं आती, तो हम उस पेशेंट के साथ बात कैसे करेंगे, उसके सिम्टम कैसे जानेंगे, और हम डायग्नोस कैसे कर पाएंगे। हमें पूरी 100% सीखने की जरूरत नहीं, 20-30% हमने रशियन लैंग्वेज सीख ली, तो हम पेशेंट के साथ बात कर सकते हैं। रही बात प्रिपरेशन में, ट्रांसलेशन फ्रॉम रशियन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू रशियन, जब हम रशियन लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो हम वो पहले इंग्लिश में हर एक वर्ड का मीनिंग समझ के लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में या हमारे मेमोरी में वो रशियन वर्ड और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। रशिया से आने के बाद हमें अलग से ट्रांसलेशन, हमने जो रशियन में पढ़ा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आज तक पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा मिथ है कि MCA का एग्जाम बहुत कठिन होता है, तो इसका सीक्रेट क्या था कि आपने वो कैसी प्लानिंग अपनाई? देखो सर, इसमें मैं थोड़ा एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूँ। लास्ट 2-3 साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रिजल्ट जो आता था 10-12%, ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम होती थी, उसका रिजल्ट आता था 10-12%। 2018-19 में वो रिजल्ट 24-27% तक गया है। अभी जो दिसंबर 2019 की एग्जाम हुई, उसका रिजल्ट है 27%। सर, इसका जो रेशो और जो स्टैटिस्टिकल इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे एक है कि सर एग्जाम के बारे में बच्चों में अवेयरनेस बढ़ गई।
ओके पहले इस एग्जाम का टफनेस लेवल के रूमर्स थे कि एग्जाम बहुत टफ है, ये सारी चीजें थे। जो अवेयरनेस बढ़ी है ना, उसकी वजह से बच्चों को एग्जाम क्रैक करने के लिए एक सिंपल वे मिल गया है। उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आप जो वहाँ पे पढ़ रहे हो जो बेसिक से बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक क्लिनिकल पार्ट एक नॉन क्लिनिकल पार्ट। फर्स्ट क्लिनिकल पार्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, नॉन क्लिनिकल पार्ट में 150 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 300 मार्क्स की एग्जाम होगी। मेरा तो यही मानना है कि वो रशिया हो, चाइना हो, फिलीपींस हो, कोई भी कंट्री से पढ़ लो, वो बेसिक सब्जेक्ट अपने पक्के करके चलो, एग्जाम निकालना बहुत ईजी। ओके तो मुझे बताइए, जब आप रशिया में थे क्या एमसीआई की आप तैयारी करते थे, या सिर्फ इंडिया में जब आप आते हो जो 2 महीने का गैप मिलता है उस दौरान आप कुछ प्रिपेयर करते थे?